in Delhi. That's a song for our film Georgia, and it's a remix of the old song, and we are in the song dancing. Well, it's the subject of our film, obviously, Georgia, and you know, it's all about living life to the fullest. Yeah. So that's, I think, the spirit of the song. Very like energetic and. Yeah. It's a slice of life film. So happy. It's a happy song. आप भी कुछ बोलो ना अरसलान. हाँ, this is, I think this is more of reimagining the song than, you know, remixing it or anything like that. It's a new take on the song, and it was fun doing it. Hot but fun. Hot as in garmi. हाँ. नहीं नहीं hot भी होगा शायद. Hopefully. लेकिन हाँ. लेकिन हाँ आज बहुत गर्मी है. No, I get happy. I mean, I like that we've done something fresh and fun. And I'm excited to see what people will think of it. ऐसी film काफी time से मैंने नहीं देखी. या तो family dramas होते हैं या crime thriller होता है या बिल्कुल शादी type की film होती है. तो nothing like travel or as a fun friendship type ki film काफी समय से नहीं देखी. Very young film. Okay, young है. Jiya और Jiya, आप जो किरदार Jiya का निभा रही हैं, you know, बहुत full of life है, मन लगी है, वह, you know, Richa on the other side. बहुत सड़ियल है. हाँ, खडूस है वो. तो आप कितना relate करती हैं the Jiya which you are playing in the film? पता नहीं, कभी-कभी हाँ लगता है मैं वैसे ही हूँ. काफी पागल. If I'm as crazy as this Jiya, or there's some twists and turns जो मैं नहीं बता सकती हूँ फिल्म में. But one thing is true that मैं एक पंजाबी लड़की प्ले कर रही हूँ और ये एक तमिल लड़की. तो we were helping each other out. I was teaching her Tamil under a kadole. She was teaching me. Small life. Like मक्खन मलाई, you know. ये लाइन ऑफ फायर में आ चुके हैं. नहीं मैं भड़कती नहीं हूँ. एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मुझे जो मुंह पे आता है वो बोल देती हूँ. तो आप लोग भी कम थोड़ी ना है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ये नुकसान होता है, लोगों को लगता है, और कि आप थोड़े गुस्से वाले हैं. और खासकर आप अगर ऐसे फुकरे टाइप के कैरेक्टर, उससे एक इमेज बन जाती है. तो मैं वैसी हूँ नहीं. बट दिस बहुत प्यारी है. एक्चुअली बहुत प्यारी, सबसे स्वीट यही है. बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है. नो बट इसमें मुझे मजा आया क्योंकि काफी रिजर्व्ड और शांत और थोड़ा पॉश टाइप का कैरेक्टर है उसका. थोड़ा स्नॉबिश. और कल्कि का जो कैरेक्टर है, जो Jiya ये प्ले करी, उसको जज करता है कि वो उसके कैसे कपड़े हैं, कैसे बात करती है, उस टाइप का. तो मुझे मजा आया करने में. तब ऐसी लड़की करने में मुझे मजा आया. एक्चुअली इमेजेस आर सेल्फ मेड. अब ना इट्स नॉट माई प्रॉब्लम कि पीपल डोंट रिमेंबर मसान एंड दे ओनली रिमेंबर फुकरे. मैंने तो दोनों तरह की फिल्में की. तो जो ऑडियंस अपने दिमाग में जो डाल देती है, उससे उनकी एक इमेज बन जाती है. मैंने दूसरे भी तरह का काम किया, वो आप कोई याद नहीं रखना चाहता, तो मैं क्या करूँ. तो इसमें कोई कॉन्शियस स्ट्रैटेजी नहीं होती. जैसी फिल्म आती है आप उसे करते जाते हो. और Newton is nominated for Oscar. What's your take on it? Our industry, our Indians going to the Oscar is nominated for. मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत अच्छी लगी. इतनी अच्छी एक्टिंग है. मतलब सारे कैरेक्टर्स आर परफेक्ट इन द फिल्म. आई रियली रियली लव द फिल्म. बहुत एक्साइटेड हूँ. बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि इट्स या यू नो आई हैव नॉट सीन इट. रियली लवली फिल्म. आई नो. I'm dying to see it now. हाँ. I want to see it. और मेरे दोस्त ने भी म्यूजिक किया, Naren and Benedict. So I'm very proud. It's India's official entry. I hope it gets nominated further ताकि हमारी excitement को एक बाहर से वजूद मिले और हम लोग कुछ कर पाए. But I'm very excited कि ऐसी फिल्म को select किया गया है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छी फिल्म को इंडिया से भेजा है. समझ रहे हो ना. आई मीन ऑफकोर्स आई हैड ग्रेट टाइम प्लेइंग अदिति इन ये जवानी है दीवानी. और यू नो इवन इन Georgia इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ब्रेक माय यू नो लाइक इंटेलेक्चुअल सीरियस मोल्ड एंड डू समथिंग रियली बिंदास. और मेरे लिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ. तो बहुत बहुत मेहनत करना है. करनी पड़ी. और डायलॉग की बहुत बात दाद देनी पड़ेगी. एक दूसरी हिंदी में
ये एक लाइन नहीं, एक कॉमा नहीं भूलती, अपने पूरी स्क्रिप्ट इनको हमेशा याद होती थी। और आपकी भी? हाँ, आपकी भी याद होती थी, भी लाइन इनको याद होती है, ताकि वो करना पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट, समथिंग टू लर्न। सो स्वीट यार, नहीं ये बोलो ना। और रोड ट्रिप फिल्म है यार, रोड ट्रिप फिल्म है। आई थिंक आजकल रोड ट्रिप्स काफी इन फैशन हो गए, एंड इट जस्ट मेक्स यू हैप्पी यार। वी नीड हैप्पीनेस आल्सो इन लाइफ। दो लड़कियां ट्रेलर में, एक ट्रेलर लेकर स्वीडन की सैर कर रही हैं, और अलग अलग उनकी एक्सपीरियंस हो रही है। कभी लड़कों से मिल रही हैं, कभी डांस करने जा रही है, कभी वॉडका पी रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं पीने का। अच्छा, हाँ, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो कभी आइस वाटर में घुस रहे हैं। आइस वाटर स्वीडन में दे जंप इन आइस कोल्ड वाटर एंड देन दे गो सोना में बैठते हैं, वेयर इट्स लाइक 50 डिग्री, और उसके बाद आइस कोल्ड वाटर में जंप करते हैं। तो दैट वाज लाइक क्वाइट एन एक्सपीरियंस। कभी सोना में बैठने भी नहीं देते और जंप करा देते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि स्वीडन में हमारी रिचा वेजिटेरियन है, और तब वहाँ पे बहुत मुश्किल था ना, वेज फूड खाना नहीं मिलता। हाँ, बहुत मुश्किल था, तो बेचारी घास फूस खा रही थी पूरी टाइम। बहुत मेहनत की रिचा ने भी। अभी नहीं, अभी मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं भी वेजिटेरियन बन गई। अच्छा, यूज़ रहना है। हाँ, लाइक 4 मंथ्स बैक। थैंक यू सो मच। थैंक्स।